हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए सिलाई के कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स, जिनसे आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी इजी हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देख लेते हैं अपनी पहली टिप। जैसे कि हम तुरपाई करते हैं जब सिंगल धागे से, तो होता क्या है कि जो उसका छोटे वाला छोर होता है वो बार बार सुई से बाहर निकल जाता है, तो बार बार फिर उसे डालना पड़ता है। तो जब भी सिंगल धागे से तुरपाई करनी है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा टिप बताऊंगी, धागा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको क्या करना, एक तो ये बड़े वाला धागे का छोर है और एक है ये छोटे वाले धागे का छोर। ये देखिए, आपको क्या करना है, छोटे वाला जो धागे का छोर है उसे इस तरह से ना उसके जो बल लगे हुए हैं उन्हें खोलना है और उसके अंदर से सुई को इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए, हमने इसके अंदर से सुई को निकाल दिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको धीरे धीरे इस धागे को खींचना है इस तरह से। तो जहां से हमने सुई को निकाला है वो इसकी नोक के पास इस तरह से उलझ जाएगा, और जब भी सिंगल धागे से तुरपाई करेंगे तो ये जो छोटे वाला छोर है ना, बार बार अब सुई से बाहर नहीं निकलेगा। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप। जो कॉटन वाली शर्ट होती है उनके कॉलर अंदर वाली साइड से ना बहुत जल्दी फटते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब बेटे को बहुत ज्यादा पसंद है तो फेंकना भी नहीं चाहता है, तो अगर आपके शर्ट का कॉलर इस तरह से फट जाता है तो उसको सही करने का आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, इससे मिलता जुलता आपको कपड़ा लेना है। जैसे इसमें ब्लैक प्रिंट है, या तो ब्लैक प्रिंट ले लीजिए, या फिर इसमें ना ये पाइपिंग लगी हुई है ब्लू कलर की। मेरे पास इससे मिलता जुलता ना साटन का एक छोटा सा पीस रखा है, मैंने कुशन कवर बनाए थे उसमें से, तो इसमें से मुझे छोटा सा पीस कट करना है। तो वो नापना किस तरह से है, आपको शर्ट का जितना भी पार्ट फटा हुआ है ना उसे नापना है पहले। जैसे कॉलर को इधर की साइड से इधर तक हमें नापना है। जैसे इसकी लेंथ है 13.5 इंच, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए जो सिलाई में आ जाए। इसी तरह से हमें इसकी चौड़ाई को नापना है, जैसे 1 इंच के बराबर ये फटा हुआ है तो हमें 2 इंच इसमें कपड़ा लेना है, मतलब कि 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन के लिए लेना है और 1 इंच इसकी लेंथ के लिए लेना है। तो जितना भी कॉलर फटा हुआ है ना उसके हिसाब से हमें कपड़े को कट कर लेना है। जैसे कि मैंने ये पतला सा पीस कट किया है जिसकी चौड़ाई तो 2 इंच है और लंबाई है इसकी 14.5 इंच। अब इसका जैसे हम नाड़ा बनाते हैं ना, उस तरह से इसे फोल्ड करना है कपड़े को दोनों साइड से। या तो आप पहले इसे सील कर तैयार कर लीजिए, उसके बाद सीलिए इसके ऊपर रखते हुए, या फिर इसके साथ ही ना इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और जहां से भी कॉलर फटा हुआ है ना उसको दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो मैच करता हुआ कपड़ा कोई ना कोई मिल ही जाता है, या फिर प्लेन शर्ट है तो उस पर आप किसी भी तरह का कपड़ा लगा सकते हैं कॉलर के ऊपर। तो ये बहुत ही प्यारी सी डिजाइन भी बन गई है और फटा हुआ जो कॉलर था वो भी सही हो गया है। तो आप इस तरह से ना कॉलर को सही कर सकते हैं। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप। कई बार कपड़े के ऊपर ना सरसों का तेल गिर जाता है, या फिर मशीन का तेल, कोई भी तेल गिर जाए। और सरसों के तेल की तो एक खास बात होती है, अगर उसके ऊपर हम साबुन लगा देते हैं ना तो कपड़े का जो कलर है वो बिल्कुल रेड हो जाता है और वो निकलता भी नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है तेल के दाग को हटाना। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा टिप बताऊंगी, जब भी सरसों का तेल, मिट्टी का तेल या किसी भी तरह का तेल गिर जाता है तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर ना पाउडर डाल देना है, उसे पूरा कवर कर देना। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप आटे या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर हो या आटा या मैदा, जो तेल गिरा हुआ है ना उसे एब्जर्ब कर लेता है, मतलब कि उसे सोख लेता है। तो पाउडर से पूरे को कवर कर देना है, फिर उसके ऊपर आपको कोई भी छोटा सा पीस कॉटन के कपड़े का रखना है, फिर उसके बाद में आपको प्रेस करनी है इसके ऊपर, जैसे हम कपड़े के ऊपर नॉर्मल प्रेस करते हैं ना उसी तरह से। तो जितना भी तेल फैला हुआ है कपड़े के ऊपर वो हमारा जो पाउडर है वो सोख लेगा। तो कभी भी तेल गिर जाता है तो डायरेक्ट उसे साबुन या सर्फ से धोने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना जो उसका रेड कलर जो दाग बन जाता है ना वो हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कोई भी पुराना टूथब्रश लेना है और इसे ना धीरे धीरे इस तरह से रगड़ना है। अब पाउडर को झाड़ लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट के ऊपर जितना भी तेल का दाग था वो बिल्कुल एकदम से गायब हो जाएगा। अब नॉर्मल पानी से धो लीजिए, फिर उसके बाद आप सर्फ या साबुन के पानी से आराम से इसे साफ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप। छोटे बच्चे शरारत तो करते ही हैं,
कई बार ना वो किसी भी कपड़े के ऊपर पेन चला देते हैं या फिर इंक गिरा देते हैं। अब जब हम इसे साफ करने की कोशिश करेंगे ना, तो जितना भी इसे हटाएंगे उतना ही ये फैलता चला जाएगा। तो इसे कभी भी पानी से मत हटाने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा टिप बताऊंगी इसे निकालने का। आपको क्या करना है, डिटॉल लेना है। डिटॉल हर किसी के घर में नॉर्मल मिल ही जाता है। थोड़ा सा ले लें, किसी भी बर्तन के अंदर रख लीजिए या फिर ढक्कन के अंदर। अब कोई भी कॉटन लीजिए या छोटा सा पीस, या फिर कोई भी पुराना टूथब्रश लीजिए और थोड़ा थोड़ा डिटॉल लगाते हुए ना इसके ऊपर आपको हल्के हाथ से इस तरह से घिसना है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में ही जितनी भी इंक है या पेन चला रखा है ना, वो पूरा एकदम से खत्म होता चला जाएगा। ये देखिए, पूरा गायब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कपड़े के ऊपर पेन चलाया था भी या नहीं। ये देखिए, तो कभी भी इसे पानी से साफ करने की कोशिश मत कीजिए। बस आपको थोड़ा सा डेटॉल लेना है, हल्के हाथ से रब करना है, तो ये जितना भी इंक का दाग लगा हुआ था एकदम से खत्म हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके ऊपर पेन चला भी था या नहीं। दोस्तों, आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी से बताइएगा, और आपको मेरे आइडियाज कैसे लगते हैं वो भी जरूर बताइएगा। और अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से जो हमारी आई साइड है वो वीक होती चली जाती है। अब जैसे सुई में धागा डालते हैं तो नहीं डल पाता है। अब हर टाइम हमारे पास कोई तो बैठा नहीं रहेगा कि हमें धागा डालकर दे दे। तो इस टाइम आपको एक बहुत ही अच्छा सा टिप मैं बताने वाली हूँ सुई में धागा डालने का। आपको कोई भी टूथब्रश लेना है, उसके ऊपर धागा रखना है और फिर सुई को रखना है उसके ऊपर। आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में ही सुई के होल के अंदर धागा निकलकर बाहर आ जाएगा, फिर उसे खींच लेना है। चलो मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए, धागे को रख दिया हमने, ऊपर से सुई को रखा तो धागा निकलकर सुई की नोक से बाहर निकल जाएगा। उसे खींच लेना है नाखून से इस तरह से, तो धागा बहुत ही इजीली से आप डाल सकते हो। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। सिलाई करते समय कभी कभी ना मशीन कपड़े को सिकोड़ना शुरू कर देती है। हम सोचते हैं कि उसकी सुई खराब है और उसे चेंज कर देते हैं, लेकिन आप ना मशीन की सुई निकालकर आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं उसकी जो नोक है ना उसके ऊपर जंग तो नहीं लगा हुआ। ये देखिए, इसके ऊपर जंग लग गया है, जिसकी वजह से जब भी सिलाई करते हैं तो ये कपड़े को ना सिकोड़ना शुरू कर देती है। तो इसे ठीक करने का आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा टिप बताऊंगी। दोस्तों, आपको लेनी है नेल कटर, और नेल कट करने के बाद में जहाँ से हम नेल घिसते हैं ना, उधर वाली साइड से सुई को घुमाते हुए हमें इस तरह से घिसना है, तो जितना भी जंग लगा हुआ है सुई की नोक पर वो एकदम से साफ हो जाएगा। ये देखिए, जितना भी सुई के ऊपर जंग लगा हुआ था वो एकदम से क्लीन हो गया है। अब ये सुई प्रॉपर काम करेगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, हर रोज की तरह शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। We'll be right back.